खाता बुक ऐप की ऐसी क्या खासियत है? अरे भाई, खाता बुक ऐप में बैकअप का सुविधा भी है। अब फोन घूमेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपका डाटा आपको फिर मिल जाएगा, समझे? तो ये है हमारे परफेक्ट हिसाब किताब का राज, खाता बुक ऐप। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। उन बच्चों को क्या दोस्त, जिन बच्चों को हमने, मैं एक गांव का सर्वे कराया पवार जी, उस गांव में 100 घरों में मात्र 15 घरों में हनुमान चालीसा, 3 से 4 घरों में रामायण और गीता। अगर मेरी ये स्थिति हो, हमारे बच्चे गायत्री मंत्र नहीं जानते, मैं तो मुसलमान भाइयों को प्रणाम करता हूं, कम से कम उनके अंदर अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति वो प्रतिबद्ध हैं। वो शुक्रवार को नमाज जरूर पढ़ते, हमारे बच्चे मंदिर नहीं जाते। वो IIT करके शाहीन बाग के रास्ते इस्लामिक राष्ट्र की बात करते, मेरे बच्चे आईसी घोष कन्हैया कुमार उनके रास्ते पे जा रहे। ये देश का दृश्य है। इस दृश्य में आने वाले दिनों में जो भारत की स्थिति है, मैंने कहा कट्टर से टक्कर, ये संकल्प लेना होगा। आज देश के अंदर में फिर से नारे लग रहे हैं जो 47 में नारे लगे थे। जिस भीम सेना की बात हो रही थी, डॉक्टर अंबेडकर जिन्ना को कभी पसंद नहीं किया। उस समय भी लोगों ने कहा, दलित मुस्लिम भाई भाई जिन्ना ने नारा दिया था और JN मंडल उसी तरह बढ़ते गए जैसे आज कुछ लोग बढ़ रहे हैं। आज मीडिया के लोग पूछ रहे थे, मैं गया था अपने कंस्टिट्यूएंसी में, वहां भी लोग धरने पर बैठे थे, एक बड़ी रैली निकाला, अंबेडकर की मूर्तियों को मैंने मल्यार्पण किया। आज वो धो रहे हैं कि गिरिराज सिंह से अशुद्ध हो गया। अरे भारत माता से उसी दिन अशुद्ध हो गया जिस दिन JN मंडल ने जिन्ना के साथ मिलके लाखों हिंदुओं को लेकर के पाकिस्तान गए थे। उसमें दलित भी थे, गैर दलित भी थे, वो भी वहां के देश के संविधान बनाने वालों में से एक थे। 47 के बाद पहली चुनाव हुआ, मुसलमान खड़े हुए मुसलमान के नाम पर, हिंदू खड़े हुए ब्राह्मण दलित बनिया जातियों के नाम पर, और हम राजनेताओं ने उसे और काटते गए काटते गए। अब तो फक्र से कहता है मैं फलाना हूं, नाम से नहीं जातियों के नाम से। भाई ये जहर अगर नहीं निकला, ये जाति का जहर नहीं निकला, तो फिर तुम पछताओगे, मैं यही कहने आया हूं।